नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और मेरे अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, ये मेरा ड्रेसीना का पौधा है जिसको मैंने वाइट पॉट में लगाया है और इसको मैं तैयार कर रही हूँ अपने लिविंग रूम में रखने के लिए। तो बस इसकी साफ़ सफाई करके, गुड़ाई उड़ाई करके दो चार दिन धूप इसको दिखाई है मैंने। गुड़ाई अब करूँगी मैं इसकी, उसके बाद मैं इसको अपने लिविंग रूम में रखूँगी। और दोस्तों ये देखिए, कुछ मैंने कटिंग लगाई थी लेकिन इधर मेरे घर में वाइट वॉश चल रहा था जिसके कारण से सब बेकार हो गया। और ये मटकियाँ मैंने सेव की हैं, मेरे घर में पूजा थी इसको मैंने सेव की हैं। इसको मैं डेकोरेट करने के लिए, होम डेकोरेशन के लिए इसको तैयार कर रही हूँ। देखिए जैसे इसमें मैंने भी ज़िगज़ैग प्लांट लगाया है, ये देखिए, और ये अच्छा चल रहा है। उसी में सिंगोनियम भी लगा हुआ है, तो इसको मैं रूम में, बालकनी में और जहाँ भी ये सेट हो पाएगा वहाँ मैं इनको लगाऊंगी। एक ही मैंने कटिंग से लगाई थी, पेंसिल कैक्टस है कहते हैं इसको, तो ये भी देखिए लग गया है। अब इसको मैं किसी गमले में रिपोर्ट करूँगी। एक सिंगोनियम ये है तैयार किया हुआ, तो ये सब मेरे को डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेट करना है पौधों से। प्लांट्स लवर दोस्तों जो है, सिर्फ पौधों का डेकोरेशन मुझे पसंद आता है, तो उसके लिए मैं सब तैयारी कर रही हूँ। एक ही पौधा देखिए मैंने रिपोर्ट किया था, बड़ा अच्छा हो गया, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, काफ़ी ऊंचा हो गया है। ये लिली, एक ड्रेसीना ये है, टेफिन बेचिया। ये एक इमली का पौधा हो रहा है, ये मेरा मिडिल फ्लोर गार्डन है दोस्तों। और ये मैंने अदरक बोई थी तो ये अदरक हुआ है। वांडरिंग ज्यू बहुत अच्छी चल रही है, इसको भी मैं अभी हैंगिंग बना के अपने रूम में रखूँगी। और ये देखिए, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, ये भी मैं कटिंग सिलाई तो काफ़ी जगह हो गई है। इसके अलावा दोस्तों ये पता नहीं काय का पौधा है, अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इसमें कांटे भी हैं, बहुत हरा हरा सा हो रहा है, कांटे बहुत तेज हैं। ये भी मैंने बोया था, पता नहीं मौसम्बी है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए, दाल और चावल का पानी मैंने इकट्ठा किया है, इसमें मैं पानी मिला के पौधों को दूंगी, क्योंकि ये फ्रेश है इसलिए इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। और अगर जैसे दो चार दिन पुराना हो गया और छः सात दिन पुराना हो गया तो इसमें पानी मिला के ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैं मुझे एक और रिका पाम रिपोर्ट करना है जो मैं अभी ख़रीद के लाई हूँ, तो जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए मैं मिट्टी को सोलराइज कर रही हूँ तो रिपोर्ट करने के लिए। और इधर कुछ पौधे हैं दोस्तों, ये एक शहतूत का है, पर्पल हार्ट, और ये वाइट कलर का कनेर है। इसके अलावा देखिए इधर एलोवेरा है, और साथ में ये अदरक का, ये एक इसका नाम भी मैं अभी फिर बोल रही हूँ, इसको मैंने कटिंग से लगाया था और ये चलने लग गया है। और देखिए एक वहाँ पर पेंसिल कैक्टस ही लग रहा है, ये ज़िगज़ैग प्लांट, ये भी मैं सब इंडोर के लिए तैयार कर रही हूँ। आज दोस्तों मैं एक और काम करने जा रही हूँ, ये मैं लहसुन मैंने लिया है और इसको मैं लगाने जा रही हूँ। कुछ तो मैंने पहले भी लगाए थे लेकिन ये फिर मैं लगाने जा रही हूँ, बहुत सरल है इसको लगाना। देखिए कुछ मेरे ये लहसुन मैंने 15 दिन पहले लगाए थे, तो जिस ये जो अब होने लगे हैं। इसको बोने का तरीका बहुत सरल है दोस्तों, जैसे कि अब हमने ये कलियाँ तोड़ ली हैं, निकाल ली हैं, और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कलियाँ अगर हम बड़ा लगाएंगे तो हमारे लहसुन का साइज़ बड़ा होगा। तो देखिए इसको लगाने का बहुत सरल है, इसमें कि आलू भी हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी मेरे गार्डन में आपको बहुत मिलेगी। तो मेरी खुरपी अभी मैं लाई नहीं हूँ, देखिए इसको ऐसे ही यूं लगा दिया है और बस ऊपर से मिट्टी स्प्रिंकल कर दे रही है, और फिर ये धीरे धीरे 8-10 दिन में ये जमना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये इसको, ये मैंने थोड़ा दबा दिया और ये मिट्टी से दबा दिया।
इसी तरह को मैं अपने, ये मिडिल फ्लोर है मेरा गार्डन और छत में टेरेस गार्डन में मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो सर्दियों भर हमें जैसे ये लहसुन के पत्ते छौंकने उकने दाल वाल छौंकने के काम बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ कि कुछ लहसुन मैंने ये लगाए हैं, ये भी होने लगे हैं, तो मैं इनमें लगा रही हूँ। देखिए बस लगाने के बाद इनमें पानी डाल दूँगी, बस चार कलियाँ इसमें बहुत हैं क्योंकि इसमें कनेर भी लगा हुआ है। ये देखिए बस, और पानी डाल दीजिए और बस आपको लहसुन तैयार मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।